और हम न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। भारत की दो टूक के बाद मालदीव के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है मालदीव ने। मालदीव के इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें शेयर करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके बारे में अपमानजनक ट्वीट किए थे और उस पर भारत ने मालदीव से नाराजगी जाहिर की थी। भारत के दबाव में मालदीव को अपने ही मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां विवादास्पद बयान देने वाले तीनों मंत्रियों पर एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने दो टूक सुनाई थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को रीट्वीट करते हुए रीशेयर करते हुए उनके खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी गई थी, इस पर आपको बता दें कि एक्शन लिया गया है और तीनों मंत्रियों को वहां की सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। मालदीव के इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें शेयर की थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके बारे में अपमानजनक ट्वीट किए थे और इस पर आक्रोश जाहिर किया गया, जिसके बाद अब एक्शन भी देखने को मिला है। भारत ने भी अपनी नाराजगी इस मुद्दे को लेकर जाहिर की थी और भारत के दबाव में मालदीव को अपने ही मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने के मामले में मालदीव ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। अपमानजनक ट्वीट्स किए गए थे प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे को लेकर और ऐसे में अब मालदीव झुकता हुआ नजर आ रहा है। मालदीव का सरेंडर यहां देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का अपमान किया गया उस पर अब आक्रोश के बाद, भारत की नाराजगी के बाद, भारत की दो टूक के बाद अब मालदीव झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर तीनों जो मंत्री थे उन्हें सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। तो भारत के सामने किस तरीके से मालदीव का सरेंडर, और आपको यहां यह भी बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का अपमान किया गया उसके बाद भारत के पर्यटकों ने मालदीव जाने का जो उनका दौरा था उसे भी रद्द कर दिया, कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा